वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग भी मेरे वीडियोस को डेली वॉच करते हैं, उनको पता है कि मैं कुछ होम डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें ही दिखाती हूँ। तो आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट है, जो कि स्क्वायर शेप पॉट में है, आप ये देख सकते हो। और इसमें जो है हमने ग्रीन कलर का वही बेस लगा कर रखा है। और इसमें आप देखिए कि ये जो छोटे छोटे से ये फ्लावर लगे हैं, जो कि पर्पल और वाइट का शेडेड है, ये बहुत ही प्यारे फ्लावर लग रहे हैं। और इसको भी आप यहाँ से अलग कर सकते हो वो जब आप वॉश करोगे। और ये भी पूरी तरीके से वॉशेबल है और कहीं भी कुछ भी नहीं जाएगा। मैं सारे प्लांट वही दिखाती हूँ जो कि वॉशेबल होते हैं। तो ये कुछ ऐसा छोटा सा प्लांट है, आप ये देख सकते हो, आर्टिफिशियल प्लांट। और मैं छोटे छोटे चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ आर्टिफिशियल प्लांट में कि बहुत हैवी नहीं हो, छोटा सा है, अफोर्डेबल हो, तो आराम से आदमी उसको ले सकता है। और आप ये देख सकते हो कि कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। इसका साइज़ काफ़ी छोटा सा है और आप कहीं भी अपने घर में इसको रख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये ऑरेंज, ये उससे भी ज़्यादा छोटा सा है। इसका पहले तो आप टॉप पोर्शन देख लो कि कितना अच्छा लग रहा है ये। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पॉट, सबसे इसमें हमने जो किया है वो इसके पॉट में किया हुआ है, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी छोटा था, ये पॉट से ऊपर इसको नहीं रखा हमने, ये पूरे पॉट में ही चिपका हुआ है। इसीलिए हमने इसका पॉट को सुंदर सा रखा है कि जिसका पॉट जो है वो अट्रैक्शन बड़ा है इसका आर्टिफिशियल प्लांट का। और आप ये देख सकते हो कि ये उससे भी ज़्यादा छोटा सा है और इसका टॉप का कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी अच्छा सा है, ऊपर टॉप से काफ़ी हैवी दिख रहा है और बढ़िया लग रहा है दिखने में। छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट है और इसका पॉट हमने काफ़ी अच्छा सा रखा है, सुंदर सा। और जो नेक्स्ट हमारे पास है, ये दो जो हमने हैं वो छोटे छोटे से रख रखे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, जी हाँ, आपको पता है कि मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट ज़रूर करती हूँ, इस पर भी मैंने किया है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें दो कलर के फ्लावर लगे हुए हैं, रेड एंड पिंक, जी हाँ। तो मैंने कहा कि कुछ मिक्स करके बनाया जाए, तो रेड और पिंक सनफ्लावर से किया गया है। और इसका पॉट आप देख लीजिए कि हल्का सा डिज़ाइनर पॉट है, राउंड शेप में पॉट है, आप ये देख सकते हो। और ये रेड कलर का पॉट है जिसमें हमने रेड और पिंक कलर के सनफ्लावर को लगा रखा है। इसमें देखिए आप, हमने वाइट ना दिखे इसलिए ग्रीन बेस रखा हुआ है और इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े से हैं, जिसमें ये वाइट कलर का लीव्स के साथ लगा हुआ है और ऊपर टॉप से कुछ इस तरीके का दिखता है। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर से कैसा दिख रहा है टॉप से, इसीलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और ये बहुत स्मॉल सा नहीं है, मीडियम साइज़ है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी हैवी प्लांट है, बढ़िया है। और नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये भी एक सनफ्लावर ही है, जी हाँ, लेकिन हमने क्या किया है कि इसके पॉट में थोड़े चेंजेस कर दिए हैं। जो पहले वाला मैंने दिखाया था आपको वो राउंड शेप का था, अभी स्क्वायर शेप में है। और सेम उसका जो सनफ्लावर है वो सेम है, आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा लग रहा है। हमने अगेन यहाँ पे ग्रीन कलर का बेस रखा हुआ है और हमने इसमें चेंज किया है, सिर्फ इसके पॉट में किया है, वो हमने सर्कल रखा है, ये हमने स्क्वायर का रखा हुआ है। तो बस बाकी फ्लावर सेम है, फ्लावर में कोई चेंजेस नहीं किया है। फ्लावर उसमें बस एक्सपेरिमेंट किया है कि पिंक के साथ रेड का फ्लावर यूज़ किया है, बट इसमें ओनली रेड, कोई भी शेड नहीं रखा है, सिर्फ पॉट चेंज कर दिया हमने। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो येलो सनफ्लावर है, जी हाँ, इसको देख के तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये जितना ज़्यादा वीडियो में अच्छा दिख रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ओरिजिनल अच्छा है, यकीन मानिए, बहुत अच्छा है ये प्लास्टिक का। और इसमें हमने येलो के साथ डार्क येलो पॉट का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये थोड़ा सा डिज़ाइनर पॉट है, राउंड सर्कल में है, शेप में है, आप ये देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का है। और मैंने ना इसमें कुछ पॉट का चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे ये येलो बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे पास ये डार्क येलो कलर का पॉट रखा हुआ था जो कि मैंने लगाया है। और इसमें लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है, बहुत अच्छा। और ये आप देख सकते हैं कि एक येलो कलर का सनफ्लावर है जो हमने येलो पॉट में लगाया है, रेड कलर और पिंक कलर का सनफ्लावर है जो कि हमने रेड पॉट में लगाया है,
और रेड कलर का सनफ्लावर जो था जो हमने स्क्वायर पॉट में लगाया है। तो आप ये देख सकते हो एक स्क्वायर ऑरेंज कलर का पॉट है, ये रेड कलर का पॉट है और ये येलो पॉट है। ये येलो और रेड दोनों सेम पॉट है, सिर्फ कलर चेंज है। और देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है। और ये मीडियम साइज़ है, ये स्मॉल साइज़ नहीं है। और ये जो दिख रहा है पर्पल वाला, ये मीडियम साइज़ है। तो कुछ इस तरीके का है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।